हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने ई श्रम के बारे में सुना होगा। ये 2.5 महीने पहले से ई श्रम कार्ड बन रहा ऑनलाइन, और काफ़ी लोग साइबर कैफे में जाकर बनवा रहे हैं, और काफ़ी लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना रहे हैं। दोस्तों, आप जब मोबाइल फ़ोन से बनाते हैं या फिर अपने पीसी या लैपटॉप से बनाते हैं, तो हैवी ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से एरर आता होगा। कुछ देर इधर आएगा, फिर वो सही हो जाएगा, फिर से चलने लगेगा, लेकिन कुछ देर पहले फिर हैवी ट्रैफिक हो जाता है। दोस्तों, इससे आपको कैसे मतलब इससे छुटकारा पा सकते हैं, आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेवर नो मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये 16 साल से जो 59 साल तक के एज वालों का, वो सिर्फ उनका ही बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ई श्रम कार्ड जब भी आप बनाते हैं तो हैवी ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम आता है, वो आपके उस प्रॉब्लम से आपका मोबाइल फ़ोन से या फिर आपके पीसी या लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपके नेटवर्क से है। ये हैवी ट्रैफिक तब आता है क्योंकि एक समय पर काफ़ी सारे यूजर्स इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो OTP होता है वो जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ दोस्तों, जब भी हम अपना लिंक, जो आधार में मोबाइल नंबर हमारा लिंक है, उस पर मोबाइल नंबर डालते हैं और OTP पे क्लिक करते हैं, तब हमारा OTP से पहले ये हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ जाती है, हैवी ट्रैफिक का एरर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे यूज़र्स एक साथ इस वेबसाइट को यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है और OTP जनरेट नहीं हो पाता है। तो इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा जब भी थोड़ा यूज़र्स कम होंगे। जो कुछ देर पहले आप ट्राई करें, रिफ़्रेश करिए, फिर बैक करके फिर ishramcard.government.in पर आप क्लिक करके फिर से ओपन कीजिए। आप ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहेंगे तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस एक बार OTP जनरेट हो गया तो बाकी सारा काम एक बार में ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के बारे में आपको YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस मिले होंगे कि ये ट्रिक करो, वो ट्रिक करो, इस ऐप का इस्तेमाल करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो हैवी ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो सिर्फ आप सिर्फ व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, लाइक बटोरने के लिए ही वो वीडियो बना रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको इधर उधर झिला रहे हैं। इसका जो एग्जैक्ट वर्ड में मैं आपको बोलूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कोई इसका वो नहीं कर सकते, यानी कि ये ऑटोमेटिक ही सही होगा। कोई अलग से अदर एप्लीकेशन करने की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है, ये सर्वर की तरफ से आता है, क्योंकि ज़्यादातर एक समय पर काफ़ी सारे यूज़र्स यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।